बस चूड़ियां कर रही थी, बहुत सारा हो गया है, बहुत सारे मेरा। ये तो कम ही है, अभी जो मंगवाए हैं वो अलमारी पे रख रखे हैं। कब मंगा लिए, दिखाई ही नहीं। अरे उस दिन लाई, फिर मैं दिखाना ही भूल गई। चलिए अभी दिखा देती हूँ आपको। अरे आपको ही क्यों, इन्हें भी क्यों ना मैं दिखा दूँ, क्यों देखेंगे आप मेरा कलेक्शन। तो फिर चलिए चलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दैट्स वीसू। और जैसे कि आपको बाकी आगे का वीडियो देख के पता चल ही चुका है कि आज मैं आप लोगों को मेरा बैंगल कलेक्शन दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को लंबा ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मैं बैंगल दिखा रही हूँ आपको, ये इस तरह से है, मल्टी कलर पे है, जो कि बहुत प्यारा सा सेट है। ये इस पे ये अलग अलग से इस तरह से दिए हुए हैं, मल्टी कलर है, लगभग येलो, पिंक, रेड, गोल्डन, ग्रीन, सब कलर आ जाता है, जिसे आप किसी भी कलर की साड़ी में इसे पहन सकते हैं। ये बहुत ही प्रेटी सा लगता है, ये देखिए इस तरह से इस पे छोटे छोटे स्टोन भी लगे हुए हैं गोल्डन कलर के। सो नेक्स्ट जो है मेरा पीस उसी से रिलेटेड है, बस थोड़ा सा कलर चेंजिंग है इसका और डिजाइन भी थोड़ी अलग है, बट इस टाइप की जो कंगन्स हैं, बैंगल्स हैं, वो अभी बहुत चल रहे हैं। ये भी उसी पैटर्न पे है, ये देखिए, ये इसका कलर जो है रेड है, रेड कलर पे है। और ये जो बीच वाला जो पाटला है ना इसका, ये अलग ही शेप पे दिया हुआ है, बीच पे थोड़ा सा ऐसे कर्व है, फिर साइड पे चौड़ा है। और इसकी डिजाइन जो है, ये देखिए ये वाली बहुत ही अलग सी डिजाइन दी हुई है, बहुत प्यारा सा लगता है जब इसे आप किसी साड़ी के साथ मैच, ये किसी भी साड़ी के साथ मैच जाता है आपका, रेड कलर, ग्रीन कलर, क्योंकि रेड कलर जो होता है जनरली किसी भी साड़ी के साथ आप पहन सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये। आप एक बार ट्राई करिएगा इस तरह के बैंगल्स, ये तो अभी चल भी बहुत रहे हैं। सो पीस जो है मेरा इसी पैटर्न पे है, बस बहुत अलग है, मैं दिखा रही हूँ सेम पैटर्न, बस ये सब चूड़ियाँ मुझे बहुत पसंद आती है। ये मैंने अभी यूज भी नहीं की है एक बार भी इसे, ये दुल्हा दुल्हन पैटर्न की चूड़ी बोलते हैं। ये देखिए इस पे दुल्हन और इस तरह से दूल्हे बने हुए हैं, बहुत प्यारा लगता है। ये कलेक्शन तो हर किसी के पास होना ही चाहिए, एक बहुत प्यारा लगता है ये भी किसी भी साड़ी के साथ आप पहनो, कुछ भी करो, बहुत मस्त लगता है। आप एक बार ये इस तरह का पैटर्न ट्राई करिएगा, मैं इसे एक बार खोल के आपको दिखा देती हूँ। जी इस टाइप की है, बहुत सुंदर सा लगता है गाइस। ये इस पे इतने सारे छोटे, इसको पहन लिया तो पूरे हाथ भर जाएंगे, आपको जरूरत ही नहीं है इस पे कुछ और पहनने की। ये देखिए इस तरह से पार्ट पार्ट पे ये छोटे छोटे दिया हुआ है, इसमें बहुत सुंदर सा आता है। इसका साइड का कड़ा भी गाइस देखिए कितना मोटा सा और सुंदर सा है। इसपे भी छोटे छोटे स्टोन लगा हुआ है जो कि बहुत सुंदर लगता है। आप इस तरह का भी ट्राई कर सकते हैं, अपने कलेक्शन में रख सकते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है। मैं तो सारे टाइप के बैंगल्स रखती हूँ क्योंकि कलेक्ट करना ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस नेक्स्ट पीस जो है ये इस तरह की, ये भी सेम पैटर्न ही है समझ लीजिए, बट इसका थोड़ा अलग है, पूरी मल्टी कलर पे है। इस पे छोटे छोटे जो साइड में दिया हुआ है, इस पे रोजेस बने हुए हैं हर कलर पे, वो भी ये भी उसी पैटर्न पे है, दो दो ऐसे करके अलग अलग। इसका भी बीच वाला जो है कलरफुल है, ये देखिए मोटा वाला, इस पे एक फ्लावर, गोल फ्लावर बना हुआ है और एक इस तरह से बना हुआ है। ये भी बहुत अच्छा लगता है, अगर आप इसे किसी भी साड़ी के साथ वेयर करें, सारी साड़ियों के साथ जाता है, ये बहुत सुंदर सा लगता है। इस तरह का भी आप अपने कलेक्शन में रख सकते हैं। इसके बाद जो अगली बैंगल है फ्रेंड्स, ये देखें सिल्वर कलर की है, ये बहुत ही अच्छी लगती है, किसी भी साड़ी के साथ ये जाती है।
जनरली हमारे पास बहुत सारी ब्लैक कलर की साड़ियाँ होती है या इस तरह की साड़ी होती है जिसको हम लोग ब्लैक अगर कलर की है तो उस पर ब्लैक चूड़ी नहीं पहन सकते, हमारे में तो अलाउ नहीं है ब्लैक चूड़ी पहनना। तो मैं इस तरह का सिल्वर कलर ले रखी हूँ जो कि सभी के साथ चले जाता है, किसी भी बैंगल के साथ आप बैंगल मिक्स करके इसमें साड़ी के साथ किसी के साथ भी आप पहन लो, बहुत अच्छा लगता है ये। ये मैंने कई बार पहना भी है, अगर फोटो होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए तीन तीन की आती है, ये बहुत सुंदर लगता है। ये प्लास्टिक पे है, इस पे कांच की चूड़ियां मिलाकर आप पहन सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है, आप एक बार इसे भी जरूर ट्राई करिएगा। सो गाइस नेक्स्ट पीस जो है ये कंगन, ये बहुत ही प्यारा लगता है मुझे, इस तरह से इस पे झूमर टाइप से लगा हुआ है। ये दो पीस ही आती है, इसको बीच में आप चूड़ियों के बीच में डाल के पहन सकते हैं, बहुत सुंदर सा बारीक सा डिजाइन है, इस पे बीच बीच पे स्टोन भी लगे हुए हैं आप देख सकते हैं, और ये जो झूमर लगी है इस पे पत्ती पत्ती टाइप से झूल रहा है, बहुत सुंदर लगता है ये पहनने पर ये एकदम हैवी सा लगता है, बट इसका वजन भी नहीं है, बहुत ही हल्का लगता है हाथों पे जब आप इसे पहनेंगे तो। ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा भी लगता है ये पहनने पर मुझे। सो नेक्स्ट जो है ये मेरे हैं सारे कंगन, जो मैं इस तरह के एक बॉक्स पे इनको रखती हूँ, मैं प्लास्टिक कवर करके ही रखती हूँ ताकि ये खराब ना हो, क्योंकि चमक थोड़ी उड़ जाती है विदाउट प्लास्टिक। मैं एक करके आपको दिखा देती हूँ। सो फर्स्ट जो है मेरे पास बहुत ही प्रिटी सा कड़ा, ये देखिए गाइस ब्लू कलर पे है, डार्क डार्क ब्लू है एकदम, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। इसे आप किसी भी सूट के साथ भी कुर्ती के साथ भी एक एक वियर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर जो है ये कांच की है, कांच की बनी हुई है, बहुत सुंदर लगता है ये। साइड पे इसके गोल्डन स्टोन लगे हुए हैं, गोल्डन ब्लू का मिक्स है, किसी भी साड़ी के साथ बहुत अच्छा लगता है। अगर ब्लैक कलर की साड़ी भी है या सिल्वर कलर की तो उसके साथ आप इसे पहन सकते हैं। सो गाइस नेक्स्ट जो है उसी झुमके पैटर्न पे है एक और जो मेरे पास अभी अभी ये भी मैंने मंगवाया है, ये वाली गोल्डन कलर की है, सो गई है ये। इस तरह से चार पीस का सेट है गाइस, इस पे इस तरह से झुमके लगे हुए हैं, बहुत सुंदर लगता है ये, और स्टोन लगा है गोल्डन पूरा, इस तरह से शाइनिंग देते हैं। ये भी आप चूड़ियों को के बीच में डाल के भी पहन सकते हैं या साइड साइड में पहनते हैं। मैं तो इसे अभी यूज नहीं कर पाई हूँ क्योंकि अभी ही मेरे पास रिसेंटली आया है और कहीं ओकेजन में जाना नहीं हुआ है तो मैं इसे अभी पहन नहीं पाई हूँ, बट ये जरूर मैं पहनूंगी, ट्राई भी करूंगी। सो गाइस नेक्स्ट जो पीस है मेरी गोल्डन में ही है, कड़े पैटर्न पे ही है, ये दिखा रही हूँ मैं आपको। ये तो इतना ब्यूटीफुल सा है, इसका शेप भी इतना गजब का है, देखेंगे आप, इस पे डिजाइन बना हुआ है इस तरह से स्टोन पे पूरा, और ये बीच में मोती लगे हुए हैं इस तरह से। इसे भी आप चूड़ियों के बीच में डाल के पहन सकते हैं या सिंगल भी इसे यूज कर सकते हैं आप, बीच में सूट वगैरह के साथ भी पहन सकते हैं, किसी भी तरह से इसे यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है ये। नेक्स्ट पीस जो है गाइस, नेक्स्ट जो है गाइस आपको मैं दिखा रही हूँ, ये मैं एक साथ ही दिखा दे रही हूँ, इतना सारा है कि मैं दिखा दे थक जाऊंगी और आप देखते भी थक जाओगे। चूड़िया तो मेरे पास इतनी सारी है कि एक वीडियो पे कवर भी नहीं हो सकता, ये अलग अलग हैं। ये वाली है येलो ऑरेंज जो कि बहुत सुंदर लगता है, ये सिंपल सी साड़ी या फिर कोई हैवी साड़ी है उस पर वियर करो, बहुत प्यारा लगता है गाइस ये। उसके बाद जो ये ब्लू वाली है ये भी बहुत सुंदर सी है, और ये रेड, उसके बाद जो नेक्स्ट है गोल्डन कलर की है। गोल्डन तो सबके पास ज्यादा ही होती है क्योंकि यूज गोल्डन किसी भी साड़ी के साथ मिक्स एंड मैच करने में चूड़ियों के साथ अच्छा बनता है, अच्छा भी लगता है। ये अलग अलग है गाइस, ये जो है थोड़ा पतला टाइप से गोल्डन है, ये देखिए पतला में है,
इस पे सिंगल मोती का है और ये जो है ट्रिपल लाइन मोती की बनी है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मैं डेली यूज में भी यूज करती हूँ और ये वाला तो मैंने अभी भी पहना हुआ है, आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो गोल्डन तो सबको चलता है, सबके पास जचता है, बहुत ही अच्छा लगता है। सो नेक्स्ट पीस जो है गाइस वो है ये, ये प्लास्टिक की चूड़ियां हैं, बीच पे प्लेन दिया हुआ है और एक साइड भी गोल्डन दी हुई है इस तरह से। ये मेरे पास तीन कलर में है, ऑरेंज, रेड, ग्रीन करके। ये मैं किसी भी चूड़ी के साथ मिक्स मैच करके पहनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। आप इसे सिंगल भी इस तरह से पहन सकते हैं, इतना इतना लेके। मैं आपको ये खोल के दिखा देती हूँ एक बार। ये इस टाइप की है, बहुत सुंदर लगता है ये, सिंपल और गोल्डन मिक्स है, बहुत प्यारा लगता है। किसी भी चूड़ी के साथ आप इसे मैच करेंगे तो बहुत प्यारा सा लुक देता है ये आपके हाथों को। सो नेक्स्ट पीस जो है गाइस वो है ये वाले, कि इतनी प्यारी लगती है। इनके और भी पीसेस हैं मेरे पास, मैं बस दिखाने के लिए इतना आपको दिखा दे रही हूँ। ये रेड कलर का है, इस पे जो है बीच बीच में फ्लावर बने हुए हैं इस तरह से, देखिए छोटे छोटे रोज फ्लावर हैं और इस पे गोल्डन कलर से मतलब स्टोन लगे हुए हैं, गोल्डन कलर के जो है इस पे स्टोन लगे हुए हैं। वैसे ही इसका रेड कलर भी है मेरे पास, वैसे ही इसका येलो कलर है और एक मैरून कलर भी है, और भी एक दो कलर हैं मेरे पास जो मैं कि यूज करती हूँ। ये चूड़ियों को प्लेन के साथ, चूड़ियों के साथ मिक्स करके पहनने में बहुत अच्छा लगता है, या साइड पे इस पे प्लेन कंगन लगा दो, बहुत ही सुंदर सा लुक देती है। सो नेक्स्ट पीस जो है गाइस वो है ये, रेड एंड गोल्डन का मिक्स मैच है ये। थोड़े दूर तक रेड है, फिर गोल्डन है, इस तरह से गोल्डन कलर की स्टोन है और रेड कलर की मोती लगी हुई है इस पे। ये भी बहुत अच्छा लगता है, ये मुझे मेरी शादी के टाइम में गिफ्ट किया था, बाकी ये मैंने अभी तक पहना नहीं है। बहुत अच्छा लगता है ये भी मुझे और मैं इसे जरूर पहनूंगी भी किसी जोड़ी के साथ मिक्स मैच करके, सुंदर सा लगता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पीस है गाइज, ये प्लेन चूड़ी है, थ्रेड की चूड़ी है जो कि अभी बहुत चल रही है थ्रेड की। ये मैरून कलर की है, इस पे बहुत सारे कलर है मेरे पास, पिंक, रेड, इस टाइप से बहुत सारे कलर हैं। बाकी ये मैरून वाला मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो अभी मैंने स्टोन वाली चूड़ियां दिखाई थी ना आपको, वो चूड़ी के साथ इस इनको मिक्स करने से बहुत ही सुंदर सा लुक देता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये थ्रेड की चूड़ी तो सबके पास होती ही है और होनी भी चाहिए। नेक्स्ट जो पीस है गाइस वो है ये, गोल्डन और मैरून कलर की, ये जो है मेटल की है। मेटल की चूड़ियां भी मैं यूज करती हूँ मिक्स करने के लिए, अच्छा लगता है मिक्स करने पर पहनने से। सिंपल बस कांच कांच की चूड़ी के बीच बीच में ये डाल देने से पतला पतला सा बहुत अच्छा लुक देता है। इसमें स्पार्कल लगा हुआ सा है, ये बहुत सुंदर भी लगता है। और ये वाला जो है ये मैट पे है, ये मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से मैट में है, मैरून कलर है, मैट मैरून है, जो कि बहुत सुंदर सा लुक देता है। इसकी आवाज भी बहुत अच्छी है। सो गाइस नेक्स्ट पीस जो है वो है इस तरह की, वेलवेट की चूड़ी है ये। इस तरह की वेलवेट की चूड़ी है जो कि बहुत ही सुंदर लग, वेलवेट की चूड़ियां मिक्स मैच करने के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। इन्हें मैं अपनी स्टोन वाली चूड़ियों के साथ मिक्स करके पहनती हूँ। वेलवेट भी बहुत ही अच्छा सा लुक देता है गाइस। इस पे और भी बहुत सारे कलर हैं, मैं अभी दिखा नहीं सकती इतने सारे हैं। सो गाइस नेक्स्ट पीस जो है वो भी वेलवेट की चूड़ी पर ही है, बट इस पे जो है बीच बीच में इस तरह से स्पार्कल लगे हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है ये भी। वेलवेट पे है ये चूड़ी भी, पूरी रेड कलर की चूड़ी है और ये भी बहुत ही प्यारा सा लुक देता है। आप इस तरह की वेलवेट चूड़ियां भी अपने कलेक्शन में रख सकते हैं। गाइस नेक्स्ट पीस जो है वो ये है, ये भी कांच की चूड़ियां ही हैं।
जो 6 पीस का सेट आता है वो वाली चूड़ी है, ये मैंने आपको 6-6 पीस दिखाई है। इस पे भी मेरे पास सारे कलर अवेलेबल हैं, रेड है, पिंक है और स्काई ब्लू है। बाकी बहुत सारे भी कलर हैं लेकिन सब कलर मैं दिखा नहीं सकती, क्योंकि मैं ना अपनी चूड़ियों को इस तरह के प्लास्टिक बॉक्स में रखती हूँ। मुझे ऐसे ही रखना पसंद है, जब भी जो भी यूज़ करना हो या कोई भी कलर की चूड़ी चाहिए हो, मिक्स मैच करनी हो, मैं तुरंत निकालती हूँ और उन लोगों को यूज़ भी कर लेती हूँ तुरंत। इससे क्या होता है, टूटने का भी डर नहीं होता है और ना ही इधर उधर होती है चूड़ियाँ। तो मैं इस तरह के केस में रखती हूँ, ये प्लास्टिक का जो बॉक्स आता है वो। चूड़ी जब आप लेने जाएंगे तो इस तरह के कई बॉक्सेस में भी चूड़ी आती है, और एक इस तरह के कार्टून बॉक्स में भी रखती हूँ मैं। ये देखिए इस तरह से द लास्ट पीस जो गाइस आज के कलेक्शन में जो मेरा है वो है ये कंगन। ये कंगन जो है कांच की है, ये वाली भी 4 पीस का सेट है। आप इसे एक एक पीस भी एक एक हाथों में पहन सकते हैं, या आप साड़ी के साथ अगर यूज़ कर रहे हैं तो कंगन के बीच में चूड़ियाँ डाल के आप पहन सकते हैं, अच्छा लगता है। और तो और आप इसे सूट पे भी पहन सकते हैं, सूट वगैरह में, क्योंकि जनरल जो काम करने वाली लेडीज़ होती हैं, ऑफिस वर्क पे जाती हैं, वो लोग एक एक चूड़ियाँ ही पहनना पसंद करती हैं। तो इस तरह का जो सेट रहता है वो बहुत अच्छा लगता है उस तरह पहन के पहनना। गाइस ये ब्लू कलर पे है और ये बहुत ही शाइनिंग सा लुक देता है। इस पे ये इस तरह से डिजाइन भी बनी है जो मुझे बहुत पसंद आती है। गाइस आज का कलेक्शन मैंने आपको दिखा दिया, चूड़ियां तो और भी है मेरे पास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो मैं आगे और भी इस तरह के वीडियो बनाऊंगी बाकी चूड़ियों के साथ। तो गाइस मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और भी कुछ नए कलेक्शन के साथ, नई कुछ ट्विस्ट के साथ। तो गाइस इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। और हाँ, आपको कौन सी चूड़ी बहुत पसंद आई, मेरे चूड़ियों का कलेक्शन कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। फिर मुलाकात होगी मेरे नए वीडियो के साथ। बाय बाय।